गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग क्लास 7 फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3 एक्सट्रैक्शन ऑफ ऊल पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऊल का मतलब किस तरीके से फाइबर से हम लोग को ऊल प्राप्त होता है, इस पूरे प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक उठ करके आएगा शियरिंग। शियरिंग क्या होता है? फ्लीस जो शीप का होता है हम उससे उसके बॉडी से रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेज़र। या तो रेज़र यूज़ करते हैं या तो फिर शियरिंग मशीन यूज़ करते हैं। यूजुअली ये जो उसके ऊपर की जो फर होती है, ये फ्लीस होती है या फिर कह सकते हैं ऊपर जो आउटर स्किन होती है वो उसकी डेड बॉडी होती है। उसको मतलब उसको अगर हम रिमूव करते हैं तो शीप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचती है। तो बिना हर्ट किए हम लोग क्या करते हैं, समर सीज़न में यूजुअली ये काम करते हैं ताकि विंटर सीजन तक फिर से ग्रो हो जाए, उसकी बॉडी प्रोटेक्ट हो सके। ओके, और इस तरीके से करने से उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। ओके, तो पहला टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, शियरिंग करते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन ओके फ्रॉम द बॉडी। हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे फ्लीस ऑफ शीप को, मतलब फ्लीस को बॉडी से, और इसी प्रोसीजर को बोलते हैं शियरिंग। दूसरा हमारा आता है स्कोरिंग। स्कोरिंग या फिर आप बोल सकते हैं वॉशिंग। ओके, जब ये फ्लीस हम लोग को मिलता है तो ये फ्लीस जो होता है उसमें कई सारे इम्प्योरिटीज़ बनी होती है, यानी कि अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस उस पर एडेड होता है। उसमें डर्ट होगा, सैंड होगा, ग्रीस होगा, ओके, डस्ट होगा, इन सब की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी में, गर्म पानी में रख देते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ क्या करता है, कुछ डिटर्जेंट भी यूज़ करता है, कुछ अल्कलाइज भी यूज़ करता है उसको वॉश करने के लिए। ओके, और अब तो क्या करते हैं हम लोग, स्कोरिंग मशीन यूज़ करते हैं। स्कोरिंग मशीन क्या करता है कि जो ग्रीस होता है उसमें लिनोलिन करके एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि यूज़फुल होता है फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स। ओके, तो उस ग्रीस को अलग करता है और उससे हम लोग कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, कॉस्मेटिक बनाते हैं, सोप बनाते हैं। ओके, स्कोरिंग के बाद आता है ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग। ग्रेडिंग और शॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको शॉर्टलिस्टेड करना कि कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा क्वालिटी फाइबर है, कौन सा डैमेज फाइबर है, उसको अलग अलग करना। तो हम लोग क्या करते हैं, शियरिंग करते हैं, स्कोरिंग कर लिए यानी वॉश कर लिए, उसके बाद से ग्रेडिंग करके यानी कि क्वालिटी के अकॉर्डिंगली उसको सेपरेट करेंगे। ओके, सेपरेट कर देंगे यानी कि अगर जो डैमेज है फ्लीस उसको अलग कर दिए, उसको निकाल दिए, और जो क्वालिटी फाइन है, हम लोग यूजली फाइन फाइबर चूज़ करते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो उसको चूज़ करके हम लोग अलग करेंगे। फिर उसके बाद से करेंगे कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है कि हम लोग एक रोलर से इस जो भी ये जो ग्रेडिंग करने के बाद, सुखाने के बाद, ओके, शॉर्टेज हम लोग का जो फाइबर हम लोग ने शॉर्ट लिस्टेड कर दिया उसको सुखाएंगे, और उसके सुखाने के बाद उसको एक रोलर जिसमें फाइन वायर लगे होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, उसमें डालते हैं, जिससे हमारा जो फाइबर है वो एक लेयर में एक फ्लैट बन जाता है। ओके, जस्ट लाइक ये डस्टर की तरह एकदम फ्लैट बन जाएगा। ओके, और उसको बोलते हैं वेब। ठीक है, हमने क्या किया, जो भी है इंटेंगल उलझा हुआ है उसको हम एक रोलर में डालेंगे जो एकदम फ्लैट बन जाएगा, और ये फ्लैट को हम बोल रहे हैं वेब। इस वेब को फिर से हम स्कोरिंग करते हैं यानी कि फिर से वॉश करते हैं, फिर से सुखाते हैं, और स्पिनिंग के लिए भेज देते हैं। स्पिनिंग मतलब होता है गूंथना। ओके, अनट्विस्टेड फाइबर को, जो भी हमारा वेब बनता है उसको नैरो होगा, अनट्विस्टेड फाइबर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर जो होता है उसको डिवाइड किया जाता है स्ट्रैंड्स को, ओके, और रोल किया जाता है स्ट्रैंड को, एक के ऊपर एक ऐसे रखा जाता है स्ट्रैंड को, और एक रोल फॉर्म में गोल गोल लंबे लंबे बना करके हम बनाते हैं उसको। फिर स्पिनिंग प्रोसीजर में क्या करते हैं, रस्सी की तरह फाइबर्स को गूँथते हैं, जैसे कि रस्सी होता है कि एक के ऊपर एक धागा बना होता है, जैसे कि ये, वैसे ही आपको स्पिनिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि फाइबर्स को रोविंग करते हैं।
रोविंग करने के बाद हम इसको डाइंग करते हैं, यानी कि अब जो यूजली हम लोग को फ्लीस मिला रहता है, फाइबर मिला रहता है, या तो ब्लैक कलर का, या तो वाइट, या तो क्रीम कलर का होता है, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, ब्राउन कलर का होता है, तो ये यूज़फुल नहीं है। अब सपोज़ हमको कोई अट्रैक्टिव कलर चाहिए तो हमको उसको डाइंग करना पड़ता है, उसको कलर करना पड़ता है, तो हम लोग उसको डाइंग करते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंग जो कलर आपको चाहिए होता है उस कलर का हम लोग डाई करते हैं। और फिर उसके बाद से डाई करने के बाद फाइनली जो फाइनल प्रोसेस होता है कि हम लोग उसको स्ट्रेटन करते हैं, क्योंकि वो मुड़ जाता है, थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है, तो हमको स्ट्रेटन करना पड़ता है, स्ट्रेच करके उसको प्रोसेस से क्या करते हैं, उसको सीधा करते हैं, रोलर से डाल करके या स्ट्रेच करके हम उसको सीधा करते हैं अनट्विस्टेड, और फिर हमारा यान तैयार हो जाता है। ये यान हम लोग यूज़ करते हैं फॉर वीविंग और नीटिंग, यानी कि अब हम स्वेटर बना सकते हैं। यूजुअली फिर क्या करते हैं, यान बना करके उसको ऊल को हम लोग गोला गोला बना देते हैं, ताकि उसको फिर से वो मिले ना। आप जब मार्केट में जाते हो तो आपको ऐसे सीधे सीधे मिलता है, कभी कभी वो राउंड फॉर्म में मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करते हो, फिर उससे आप क्या बना सकते हो, स्वेटर बना सकते हो। ये पूरा प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऊल। इस तरीके से हमारे ऊल मिल जाता है। ओके, सारे प्रोसेस से कौन कौन सा प्रोसेस था, हमारा पहला प्रोसेस था शेयरिंग, देन स्कोरिंग एंड वॉशिंग, देन ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग, देन कार्डिंग, देन स्पिनिंग, डाइंग, एंड आफ्टर दैट आप उसको अपने अकॉर्डिंगली यान बना सकते हैं, उसको यान बोलते हैं। फिर हमारा जो फाइबर है वो यान में कन्वर्ट हो गया, यान मतलब धागा जिसका यूज़ ऊन स्ट्रैंड जिसका यूज़ करके हम लोग वीविंग यानी कि नीटिंग कर सकते हैं, यानी कि कपड़ा बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो आपको फैब्रिक बनाना है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।